अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्ज़ाम्स फॉल 2022 का रिज़ल्ट जो है अनाउंस कर दिया गया है, और इसके रिज़ल्ट में एक न्यू चीज़ देखने में आई है कि आपके दो एक्स्ट्रा कॉलम्स आपके रिज़ल्ट के साथ हैं। एक तो परसेंटेज का है, मार्क्स का है, साथ में क्लास एवरेज और एग्ज़ाम अटेंडेंस का है। तो स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान हैं कि क्या इनका कोई आपके फाइनल टर्म के रिज़ल्ट पे या आपके मिड टर्म के रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा, या इसका क्या मतलब है, तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आप क्लास एवरेज का मतलब है कि इस सब्जेक्ट को कितने परसेंट लोगों ने जो है वो क्लियर किया है, ठीक है। और एग्ज़ाम अटेंडेंस का मतलब है कि कितने परसेंट लोगों ने ये जो है एग्ज़ाम को अटेंड किया है, ठीक है। लाइक आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें 4962 लोग हैं जिनका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें से 4407 लोगों ने जो है इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, उसको एग्ज़ाम को दिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, इसका आपके इम्तिहान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो कि अक्सर सर्कुलेट कर रहा है वो क्या है कि क्या जो आपका मिड टर्म का रिज़ल्ट है इसमें आपकी अदर एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूडेड है, तो जी नहीं, आपकी अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड नहीं है। आपके क्विज, GDP और आपकी जो है असाइनमेंट्स हैं उनकी अलहदा से ग्रेड्स हैं, और उनकी जो है वेटेज उनका अलहदा है, और उनकी कैलकुलेशन अलहदा से होगी। इस हवाले से मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो पोस्ट करूँगा, उसमें आप फिर अपने इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने मार्क्स जो हैं वो लेने। इस मरतबा मिड टर्म का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स ने काफ़ी भरपूर तरीके से एग्ज़ाम्स दिए हैं। अब आप लोगों ने फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि फाइनल टर्म का सिलेबस भी ज़्यादा है और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।